हाय गाइस, आज मैंने लिया है 5 बेस्ट वॉल स्टिकर्स फ्रॉम Amazon सिर्फ 200 रुपए के अंदर। ये Amazon से 3 से 4 दिनों में आए थे, बट अब ये सारे एक साथ आए हैं तो मुझे नहीं पता कि कौन सा डिजाइन कौन से रोल में है। ये तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। चलिए खोलते हैं। तो ये इस बार एंटीक लाइट्स और बटरफ्लाइज वाला डिज़ाइन है। ये पूरा ब्लैक कलर में आया है और ये लगभग 90-60 सेंटीमीटर का है। ये वाला थोड़ा लेस कॉम्प्लिकेटेड है, सारा डिज़ाइन थोड़ा जल्दी हमारा चिपक जाएगा। कलर की हम बात करें तो इसका कलर बहुत ही अच्छा है, प्योर ब्लैक कलर है। हमारे हर वॉल पे ये बहुत अच्छे से आएगा, खास के हमारे लिविंग रूम वहाँ पे ये बहुत अच्छे से आएगा। किड्स रूम में भी ये बहुत अच्छा लगेगा। अब इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ये एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट ऑप्शन है, किसी की हाउस वार्मिंग है या हम कहीं जा रहे हैं तो उसकी गिफ्टिंग ऑप्शन के लिए ये बहुत अच्छा है। और इसकी हम ग्लू की बात करें तो ये ऐसा ग्लू नहीं है कि हमारी दीवारों को ये ख़राब करेगा, तो आप कहीं पर भी लगाएंगे तो आपकी दीवारें ख़राब नहीं होंगी। डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही रियलिस्टिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया हो। ये पूरे डिज़ाइन में ये जो बटरफ्लाइज हैं वो मेरी फेवरेट हैं। पूरे जो वॉल का लुक ही इन्होंने चेंज कर दिया है। तो ये है हमारा पूरा वॉल ये पूरा चिपकाने के बाद। तो इसकी हाइट की हम बात करें तो ये लगभग मेरे हाइट की है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर लगाती तो ये थोड़ा और ऊपर आता, बट मेरे लिए ये ठीक है। चलिए, पहला वाला तो हो गया, अब दूसरे वाले की तरफ जाते हैं। अब इसमें सबसे छोटा जो है वो ये वाला है। अब मुझे ये नहीं पता कि इसमें कौन सा डिज़ाइन है, खोल के देखते हैं कि इतना छोटा कौन सा डिज़ाइन। मैंने तो सारे बड़े बड़े मंगवाए थे। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप आया है। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड मैप को 3 हिस्सों में हमें दिया है और ये एक स्केल्ड वर्जन है। सारे कॉन्टिनेंट्स का नाम सब कुछ हमें दिया हुआ है ताकि हम आसानी इसको लगा सकें, और हर पिक्चर की तरह रेफरेंस पिक्चर भी है। और अगर आप एक ट्रैवल करने वाले बंदे हैं जिसको ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारे आपके वॉल्स के लिए। आप इसको अपने गैलरी वॉल पे लगा सकते हैं। इसमें जो कि नाम है, ये एक अच्छा एजुकेशन एज वेल एज एस्थेटिक प्रोडक्ट है। इस पर आप हमारी फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, अपनी ट्रैवल स्टोरीज़ के बारे में आप बता सकते हैं। और इसका जो साइज़ है वो 16-30 सेंटीमीटर है। और इसी के साथ हमारा वॉल ट्रिप वाला जो वॉल है वो भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक सबसे ज़्यादा मुश्किल मुझे इसी में आया था। इसको एक एक पीस को अलग अलग इन्होंने दिया है तो लगाने में बहुत मुश्किल हो रहा था, इवन विद अ रेफरेंस इमेज एंड नंबरिंग। आई थिंक दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। केजेस ऑफ बर्ड्स वाला डिज़ाइन मिला है। तो इसकी कलर की हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा ब्राउन और येलो कलर का है। हमारे दीवारों पे ये बहुत उभर के आएगा। तो इसका जो मटेरियल है वो पीवीसी विनाइल है। इसका साइज़ जो है 30-90 सेंटीमीटर है, तो हमारे दीवारों पे ये बहुत उभर के आएगा, पूरा खिला खिला आएगा। और ये इन्होंने एक रेफरेंस इमेज और नंबरिंग्स दिया हुआ है तो हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि इसको कैसे लगाना है और आराम से ये हो जाएगा। इस वाले में पता नहीं क्यों ग्लू चिपक नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरे वॉल की प्रॉब्लम है या स्टिकर की प्रॉब्लम है, इसका ग्लू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो जहाँ भी लगा रही हूँ वो निकल जा रहा है और उसकी वजह से एक दाग सा रह जा रहा है मेरे वॉल पे। तो डिज़ाइन की हम बात करें तो मुझे ये डिज़ाइन मेरे वॉल पर बहुत अच्छा लगा था, बट अनफॉर्चुनेटली ये चिपक नहीं रहा है और जो कि एक दाग रह गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको परमानेंट एक ड्रॉ करवा लूँ, पेंट करवा लूँ। पेंट करवाने से आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट द स्टिकर्स वो कि मुझे समझ में आ गई कि मेरे वॉल पे कैसा लगेगा, तो अब मैं एक अच्छा डिसीजन ले सकती हूँ। चलिए जाते हैं आखिरी 2 डिज़ाइंस की तरफ। तो ये वाला जो है फ्लेमिंगोस एट सनसेट वाला डिज़ाइन। बाकी डिज़ाइंस की तरह इसमें भी नंबरिंग और रेफरेंस पिक्चर दिया हुआ है और यही बहुत ही अच्छा विनाइल मटेरियल का है। तो आराम से अगर आप नेचर लवर है या कोई भी है और आपको इंस्टेंटली एक रीवैम्प चाहिए अपने घर में, अपने कबर्ड्स में, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इकोनॉमिकल और इको फ्रेंडली सोल्यूशन है। तो इसको जब चिपकाने की बात करें तो ये एडहेसिव जो इसके पीछे का ग्लू है वो हम आसानी से निकाल के लगा सकते हैं। इसकी कलर की हम बात करें तो जो सनसेट का कलर है, फ्लेमिंगो का कलर है, ये बहुत एक्यूरेट आया है।
पिछले स्टिकर की तरह सिर्फ सिंगल कलर नहीं है, हर चीज़ की अपनी अपनी कलर्स आई है, इसीलिए इसका एस्थेटिक बहुत अच्छा रहेगा एज कम्पेयर टू अदर वंस। मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा है। तो ये पूरा भी फिनिश हो गया है, उसके बाद देखा जाए तो वैसे तो मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी और पूरा देखने में तो अच्छा है, बट ओनली प्रॉब्लम इज कि इसकी हाइट बहुत छोटी है। तो बेड से देखें तो नीचे से देखें तो ये बिल्कुल भरा भरा नहीं लग रहा, पूरा वॉल खाली खाली है। तो फाइनली हमारे वीडियो के लास्ट प्रोडक्ट में पहुंच गए हैं, तो उसको खोल के देखते हैं। ओ तो ये हमारा कृष्णा का वॉल, ये काफ़ी लंबा आया है एज कम्पेयर टू द अदर वंस। ये 50x100 सेंटीमीटर का है और ये एक्रेलिक मटेरियल में है। जो दूसरा वाला था वो अलग अलग छोटे छोटे पीसेस में आया था जिसको हमें चिपकाना था, ये सिंगल पीस में आया है और मैट फिनिश है। और जो दूसरा वाला है, दूसरे सारे जो वॉल हमने चिपकाए थे वो पीवीसी विनाइल था, ये एक्रेलिक मटेरियल का है और इसीलिए इसका जो कलर भी है काफ़ी अलग आया है। वो काफ़ी जो कलर्स थे वो सिंगल कलर्स थे, ये मल्टी कलर्स में आया है और हर कलर बहुत ही डिटेल में आया है। इसके जो डिटेल्स की हम बात करें, बहुत ही माइन्यूट काम किया हुआ है और हम इसे अपने पूजा घर में लगाने वाले हैं। तो बाकी के जो हमारे डिज़ाइंस हैं वो तो सारे पीवीसी विनाइल हैं, ये अकेला ऐसा है जो एक्रेलिक का है, इसीलिए इसका जो गम है वो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है और जल्दी से नहीं निकल के आएगा। बट ओनली बेनिफिट इज़ कि ये अनलाइक द अदर वन छोटे छोटे पीसेस नहीं है, बड़े बड़े पीसेस हैं, सिंगल पीसेस हैं, तो लगाने में ये बहुत आसान है। रेफरेंस इमेज देके हम बहुत आसानी से इसको लगा सकते हैं। मेरे घर में पूजा घर तो है नहीं, इसलिए मैंने इसको एक वॉल पे लगाया है। बाकी आप लोग इसके इसे अपने किड्स रूम या पूजा घर वहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हमारा ये वाला वीडियो तो ख़त्म हो गया। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोज़ देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।